बृहस्पतिवार व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा मांगने की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी अवकाश के समय आना, साधु महाराज खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरीके से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, अगर तुमको हमेशा अवकाश मिले तो क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी? कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। चलो मैं तुम्हें एक अच्छा उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार के दिन दिन चढ़ने पर उठना और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में रख देना। घर में चौका इत्यादि मत करना। फिर स्नान आदि करके और घर वालों से कह देना कि वो अपना हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखना, सामने कभी मत रखना। शाम के समय अंधेरा होने के बाद ही दीपक जलाना। और हाँ, बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करना, ना ही पीले रंग का कोई भी पदार्थ खाना। अगर ऐसा करोगी तो तुम्हें हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही करने लगी। अब कुछ समय बाद उसके घर में खाने को दाना ना रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तो तुम कुछ नहीं देती थी, और अब तो तुम खाली भी रहती हो फिर भी कुछ नहीं दे रही, आखिर तुम क्या चाहती हो? महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य मैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। बृहस्पतिवार को प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गाय के गोबर से लीपना। घर का कोई भी पुरुष या स्त्री हजामत न करवाए। भूखे को अन्न और प्यासे को पानी तुम देती रहना। शाम के समय दीपक जरूर जलाना। अगर तुम ऐसा करोगी तो थोड़े ही दिनों में तुम्हारा सब कुछ वापस आ जाएगा। सेठानी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोगकर वह साहूकारनी दीर्घ काल तक जीवित रही। इस प्रकार जो व्यक्ति विधि पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और बृहस्पति भगवान की पूजा करता है, उसे अनेक सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन बृहस्तेश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजा के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है।